गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि सम प्रभा निर्विघ्नम कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तं मनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातल्याजुहा पुत्रीदिदन्मयतयातरवोभिनेदुहतम् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। किरीटके महार्हनिष्कं मन्युतमानं कृतसर्वगात्रम् पीतांबरं कांचनचित्रनद्यं
मालाधरं केशवं मभ्युपे। कांतिः सीता मृषतिलीनिदितशारदेन्दुः यत्रेकतो विलसितां सीताङ्गशोभम् वृन्दावनीयभिहृदयामुनगाङ्गसङ्गम् श्रीराधामुकुन्दयुगलम् तदहं नमामि। श्रीराधामुकुन्दयुगलम् तदहं नमामि। वंशी विभूषित करावन वनीरदाभा पीताम्बरादरणं बिम्बफलादरुष्टं पूर्णेन्दुसुन्दरमुखदरविन्दनेत्रं कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीकृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रज प्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रीतासुतं सर्गस्थिति निरोधार्थं कामकाममयोहियः तं कामं कामकामघ्नं कामभावाय कामये व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायणं स्वयं यतः प्राप्त कृपालोकः लोकामुक्तः कलेर्ग्रहः श्रीधरं श्रीधरं वन्दे श्रीधरैकपरायणं यशेव श्रीप्रसादेन श्रीधरेयं कृतिः कृता। राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानं ताभ्यां या च समन्वितः तां श्रीभागवतीं गाथा वन्दे युगलरूपिणीं। कृष्णप्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि जीवने निधने नित्यं श्रीराधा कृष्णङ्गते मम जीवने निधने नित्यं श्रीराधा कृष्णं
गते मम नीलांबे धरा राधा पीतांबे धरो हरि जीवने धने नित्यम श्री राधा कृष्ण गते मम सब द्वारन को छोड़कर मैं आया श्री जी के द्वार ओ वृषभानु की लाडिनी नग मेरी ओर निहां बरसाने की राधिका नंदगांव के श्याम जिनके युगल चरणन में मेरो बारंबार प्रणाम जिनके युगल चरणन में मेरो कोटि कोटि प्रणाम भजे ब्रजे गमंडन समस्त पाप खंडन स्वभक्त चेतरंजन सदैव नंदन नंदन सुबीचमस्तकम् सुनादवेणुहस्तकम् अनंगरंगसागर नमामि कृष्णनागर मनोजगर्वमोचन विशाल विधूत गोपशोचन नमामि पद्मलोचन करारविंद भूधर स्मितावलोक सुंदर महेंद्र पुष्पकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं व्रजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं यशोदया समोदया स गोपया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं दधानमुक्तमालकं नमामि बालकं समस्त दोषशोषणं समस्त लोकपोषणं समस्त गोपमानसं नमामि नन्दलालकं भूभरावतारकं
बबाभिकर्ण धारकम् यशोमते किशोरकम् नमामि चित्तचोरकम् दृगन्ते कान्ते भंगिनम् सदा सदा निसंगिनम् दिने दिने नमामि नन्द संभवं गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरेदवीशनिकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीन गोपनागरं नवीन केलिलं पटं नमामि मेघसुन्दरं कडीप्रभानसत्पटम् गोपनन्दनं हृद्याम्बुजैकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं निकामकामदायकं त्रिगन्तचारुसायकम् रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं विदग्धगोपिकामनो मनोज्ञकल्पशायिनं नमामि कुञ्जकानने प्रवृद्धव किशोरकान्तिरञ्जितं त्रिगञ्जनं शुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारिणं नमामि श्रीविहारिणं यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्णसत्कथा मया सदैव गीयता तथा कृपाविधेयता प्रमाणिकाष्टकद्वयं जपत्यधीतय पुमान् भवेत् सनन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमं मया सदैव गीयता तथा कृपाविधेयता मया सदैव गीयता तथा कृपाविधेयता
मया सदैव कीयतां तथा कृपा विधीयतां मया सदैव कीयतां तथा कृपा विधीयतां अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक पूर्ण पुरुषोत्तम परम ब्रह्म चिदानंद आनंद कंद ब्रज जन नंदन देवकी नंदन वसुदेव नंदन मुकुंद भगवान श्री कृष्ण जिनके संग श्री किशोरी जो उन युगल छवि के श्री चरणों में हम सबका कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। उनसे हमारी प्रार्थना की सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण में वो अपना स्थान ग्रहण करेंगे। सभी देवी देवताओं के श्री चरणों में हम सबका कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। सबसे हमारी प्रार्थना की सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण में सब अपना स्थान ग्रहण करें। इस स्थान की आदि देवी भगवती जगत जननी जगत माया माँ पराम्बा माँ मनसा जिनके श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। उनसे हमारी प्रार्थना के सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण में वह अपना स्थान ग्रहण करें। इस स्थान के ग्राम देवता स्थान देवता क्षेत्रपाल देवता सबके श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। सबसे हमारी प्रार्थना के सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण में सब अपना स्थान ग्रहण करेंगे। सभी संत वृंद आचार्य वृंद ब्राह्मण वृंद सबको प्रणाम करते हुए उपस्थित सभी भाइयों बहनों माताओं मेरे गोविंद के बाल स्वरूप उन बालकों के मन हृदय मंदिर में विराजमान श्री ठाकुर चरणों में प्रणाम करते हुए बोलो श्री सर्वेश्वर भगवान की श्री राधा माधव भगवान की जय श्री निम्बारक भगवान की श्री स्वामी जी महाराज की जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की बोलो भागवत भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की जुगल जोड़ी सरकार की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राधे। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक पूर्ण पुरुषोत्तम परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण जिनके संग श्री किशोरी जी ऐसी युगल छवि की अहेतु की कृपा आज हम सबके ऊपर पुनः हुई और इसी कृपा के अनुगत हम और आप सभी आज पुनः श्रीमद् भागवत महापुराण के इस पंचम दिवस में किशोरी जू की ही गोद में आके आज फिर विराजमान हुए। धन्य ही यह भागवती वार्ता प्यारे और धन्य ही यह भागवत धर्म कि जिसके शरणागत हो के जीव राधा रानी के चरणों का कृपा पात्र बन जाता है दास बन जाता है। कल श्रीमद् भागवत महापुराण में हम सब ने भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया। कहते हैं कि आज संपूर्ण ब्रज का भाग्य बदल गया। चारों दिशाओं में आज मानो शीतल वायु बह रही है। कलकल करती हुई जमुना महारानी आज बह रही है। बड़ा ही सौहार्दपूर्ण वातावरण है। समस्त ब्रजवासियों का आज मानो भाग्य बदल गया है। इसलिए आज सब मानो सब कुछ आज भगवान श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव पे मानो सब अपना सर्वस्व आज लुटाने को नौछावरे बैठे हैं तैयारे बैठे हैं। इसलिए समस्त ब्रजवासी आज बड़े ही मनोभाव के साथ अपने ठाकुर को दर्शन करने को जा रहे हैं।
पीले पीले वस्त्र धारण करके आज ब्रजवासी बाल ग्वाल नंद घर की ओर बढ़ रहे हैं, नंद महल की ओर बढ़ रहे हैं और अपने प्रेम रूपी भावों से आज अपने ठाकुर को वो झूला झूला रहे हैं कि अगर परमात्मा को झुलाना पड़े प्यारे तो अपने मन के भावों से झुलाना चाहिए। हाँ, सच्चे परमात्मा को रिझाने का एकमात्र संसाधन भगवान को अपने ही भक्ति के द्वारा, अपने ही प्रेम के द्वारा, अपने ही सद्भावों के द्वारा हमें मन रूपी झूले में बिठाकर ठाकुर को झुलाना चाहिए। हाँ, इसी बात की पुष्टि करते हुए आज वो समस्त ब्रजवासी नंद घर में ठाकुर को झूलो पड़ो है और उसमें ठाकुर को झुला रहे हैं। कैसे झुला रहे होंगे? अनेक झूठा धीरे दीजे नेक झूठा होने दीजे नेक 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 झूठा धीरे दीजे नेक झूठा होने दीजे झूले पले नेक झूठा धीरे दीजे कन्हैया झूले पले नेक झूठा धीरे दीजे मरुला झूले पले नेक झूठा धीरे दीजे कन्हैया झूले पले नेक झूठा धीरे दीजे। सब गाइए दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियों की सेवा करते हैं। राधे मथुरा में हरिजन मिलियो है 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 फिर गोकुल में झूले पले नो नेक झूठा धीरे दीजे गोकुल में झूले पले नो नेक झूठा होने दीजे गोकुल में झूले पले नो नेक झूठा धीरे दीजे गोकुल में झूले पले नो नेक झूठा होने दीजे। श्री वसुदेव चले गोकुल
को दे वसुदेव चले गोकुल को दे वसुदेव चले गोकुल को यज्ञ चरण पखारे अमोरा एक छोटा नीरे दीजे यज्ञ चरण पखारे अमोरा एक होना होले दीजे यज्ञ चरण पखारे Thank you.
आशीर्वाद देती हैं ब्रज गोपियां। कैसे चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, 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 चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। कुछ कह रही हैं गोपियां और झूला झूला रही हैं ठाकुर को। बड़ा ही आनंद हुआ है महाराज, आनंद एव केवलम कृष्णम। कि संसार में अगर आनंद शब्द किसी का है नाम है ना, किसी के लिए अगर आनंद शब्द प्रयोग होता है तो वो केवल मेरे कृष्ण के लिए होता है। आनंद एव केवलम कृष्णम। इसलिए आज बड़ा ही आनंद छायो है चारों दिशाओं में। और कहते हैं इसी आनंद में विघ्न डालने के लिए आज कंस की भेजी हुई वो पूतना भी आई, आज वो पूतना भी आई। कंस ने प्रेहिता घोरा पूतना बाल घाति शिशोचार निघ्रंति पुरग्रामं रजादिषु, पुरग्रामं रजादिषु। कंस की भेजी हुई वो पूतना ग्राम ग्राम ढूंढती ढूंढती
शिष्य चारणी घंटी छोटे छोटे बालकों को मारती हुई आज नंद द्वार तक पहुंचे। कहते हैं प्रभु इतना सुंदर रूप ना किया है ये पूतना कि देवांगनाएं भी लज्जित हो जाएं। श्रीमद् भागवत महापुराण में यशोमती मैया के स्वरूप का की सुंदरता का वर्णन हुआ है और साथ में पूतना के स्वरूप का भी वर्णन हुआ है कि पूतना इतना सुंदर बन के आई कि मानो आज सब के सब लज्जित हो जाएं कि कोई देवांगना गई है, द्वार पे आके खड़ी हो गई। ब्रज गोपियों ने रास्ता दिया पीछे से, बीच बीच में से, अरे हटो हटो, लगता है कोई देवांगना ठाकुर को दर्शन करने को आई है। और यूं करते करते वो पूतना आगे को बढ़ी। मेरे भगवान तो सब कुछ जानते हैं, कहते हैं जैसे ही वो पूतना भगवान के सामने पहुंची, भगवान ने पूतना को देखने से पहले ही अपने सुकृत नेत्र बंद कर लिए, अपनी आंखें बंद कर ली। प्रभु ये कथा प्रारंभ ही हुई थी उसी समय, कहते हैं सदगुरुदेव से श्री सुखदेव जी भगवान से राजा परीक्षित ने प्रश्न कर लिया कि हे गुरुदेव, इस पूतना ने ऐसे कौन से उत्तम कर्म किए थे कि आज ये भगवान के सामने आई है और भगवान को इसका उद्धार करना पड़ा, इसने ऐसा कौन सा कर्म किया था। सदगुरुदेव सुनाते हैं कि महाराज बलि सोमा अश्विनी यज्ञ करने जा रहे थे, उसी समय देवताओं के कार्यों को सिद्ध करने के लिए श्री वामन भगवान बलि को छलने चले। और कहते हैं जब वामन भगवान बलि के द्वार पर पहुंचे तो बलि की एक तनिया है, बलि की एक पुत्री है जिसका नाम है रत्नावली। रत्नावली उस समय कल्प वृक्ष के नीचे खड़ी थी और रत्नावली की दृष्टि जैसे ही श्री वामन भगवान के ऊपर पड़ी तो वात्सल्य से हृदय उमड़ने लगा। रत्नावली मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए कहती है कि हे प्रभु, ऐसी कृपा कर दो ना कि ये छोटा सा बालक मेरे दूध का पान करे, मैं इसे अपना मातृत्व दूं, मैं इसे अपना दूध पिलाऊं। भगवान ने तथास्तु कह दिया कि कल्प वृक्ष के नीचे रत्नावली खड़ी थी कि कल्प वृक्ष जीवन की सारी इच्छाओं को पूर्ण करता है, हमारे ऊपर भी एक कल्प वृक्ष है, भागवत रूपी कल्प वृक्ष, जो भागवत की छत्र छाया में बैठता है ना, भागवत भगवान उसके जीवन की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। इसलिए रत्नावली भी उस कल्प वृक्ष के नीचे खड़ी थी। भगवान ने तथास्तु कह दिया क्योंकि भगवान तो सबके मन की इच्छा जानते हैं, मन के भाव को भगवान जानते हैं। परंतु दूसरे ही पल जब वामन भगवान ने राजा बलि को छला, वही रत्नावली क्रोध से तिल मिलाई और तिल मिला के कहती है मैं इस छोटे से बालक को अपना दूध पिलाऊं, दूध पिलाऊं, दूध से पहले मैं इसको जहर पिला दूं, मैं इसको विष पिला दूं। भगवान ने कहा हाँ मैया, मैं तेरे जहर को भी पिऊंगा, अगर तूने जहर पिलाने की इच्छा व्यक्त की है ना तो मैं तेरे इस जहर को भी पिऊंगा। और प्रभु मेरे भगवान ने इस संसार में हर जीव की इच्छा पूर्ण की है, कि वो जीव के सबसे पहले जहर का पान करते हैं, कि जीव जब भगवान के समक्ष आता है ना, भगवान सबसे पहले कहते हैं आ आ मेरे समक्ष आ, पहले मैं तेरे जहर को पी लूं, पहले मैं तेरे विष को पी लूं। और उसके बाद वो भगवान जीव को अमृतत्व देते हैं, आ मैं अब तुझे अमृत पिला दूं, आ मैं तुझे अमृत पिला दूं, जहर पी के भी जो जीव को अमृत दे दे, ऐसे तो केवल मेरे सांवरे हो सकते हैं, ऐसे तो केवल मेरे भगवान हो सकते हैं। प्यारे कि जहर पिला के भी जो अमृत दे दे, जहर पी के भी जो अमृत दे दे, ऐसे मेरे भगवान हो सकते हैं। आज मानो रत्नावली की भगवान ने इच्छा पूर्ण करी और ये रत्नावली अगले जीवन में
कहते हैं आज ये पुतना बन के आई है। और जैसे ही ये पुतना आज भगवान के समक्ष पहुंचे, मेरे भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। संतों ने पूछा, महाराज भगवान ने पुतना को देखने से पहले अपने नेत्र क्यों बंद कर लिए, किस कारण से नेत्र बंद कर लिए होंगे भगवान ने। संतों ने अपना अपना मंतव्य दिया। कहते हैं महाराज, एक संत की पुतना स्वरूप है राक्षसी का, माया का रूप लेकर मायापति के समक्ष आई है, परंतु माया कभी ब्रह्म के समक्ष टिक नहीं सकती। माया किसका स्वरूप है? माया भी भगवान का ही रूप है। गीता में भगवान ने कह दिया, मम माया दुरत्या, मैं मायापति हूं और माया मेरा ही स्वरूप है। और प्यारे आज ये माया ब्रह्म के समक्ष आई है, परंतु माया ब्रह्म के समक्ष कभी टिक नहीं सकती। लीला पुरुषोत्तम भगवान बन के आए हैं, लीलाओं का प्रतिपादन करने आए हैं, कहीं मेरी लीला में विघ्न ना पड़ जाए। इसलिए नेत्र पड़ेंगे तो फिर माया कहाँ टिकेगी, और अगर माया अपने असली रूप में आ गई तो फिर लीला में विघ्न पड़ जाएगा। हाँ, इसलिए मेरे भगवान ने पुतना को देखने से पहले ही अपने सुकृत नेत्र बंद कर लिए। दूसरे संत एक और बात कहते हैं कि पूतना बाल घातनी दुष्टा थी, दुष्टा का दर्शन भी अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए भगवान ने पूतना को देखने से पहले ही अपने नेत्र बंद कर लिए। एक संत कहते हैं, संभवतः श्री कृष्ण नेत्र बंद करके आज भूत भावन भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हैं। यह भोलेनाथ, आपने तो इससे पहले भी जहर का पान कर रखा है प्रभु, मेरा ये पहला अवसर है, हे प्रभु जरा शक्ति देना, मैं भी इस विष को बचा सकूं। इसलिए मानो आंखें बंद करके भूत भावन भोलेनाथ का ध्यान गोविंद कर रहे हैं। एक संत कहते हैं कि कड़वा घूट आंख बंद करके ही पिया जाता है, डॉक्टर दवाई देता है, वैद्य दवाई देता है हमें, जब पीते हैं ना कड़वी दवाई, अपने आप आंखें बंद हो जाती है। भगवान जानते हैं अब कड़वा पीना है मुझे, इसलिए स्वतः आंखें बंद हो गई। एक संत और बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि दृष्टिपात होने से पहचान हो जाएगी, और अगर पहचान हो गई तो फिर शत्रुता कैसी। देखे बिनु ना होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, जब तक देखा नहीं था तब तक तब तक प्रेम कैसे, और जब देख लिया तो फिर शत्रुता कैसी रह गई। इसलिए कहीं प्रीति ना हो जाए, इसलिए मेरे भगवान ने अपने नेत्र बंद कर दिए। संभवतः एक संत कहते हैं, भगवान ने इसलिए भी नेत्र बंद कर लिए होंगे कि मेरे निडर नेत्रों को देखकर कहीं घबरा ना जाए। भगवान के नेत्रों में क्या है, कहा तेज पुंज, तेज से भरे हैं जो, वो मेरे भगवान के नेत्र हैं प्यारे। कि कहीं कहीं ये पूतना मेरे नेत्रों को देख के घबरा ना जाए और ये भाग ना जाए, लीला का प्रतिपादन ना हो, इसलिए मेरे भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। और कहते हैं आज वो पूतना यूं करते करते भगवान के सामने खड़ी है और गोविंद पालने में लेटे हैं, दुहाई देती है यशोमती मैया को, रोहिणी मैया को, अरे मैया देखना तेरो लाला कितनो दुबलो है गयो है, कछु खिलाती नहीं, कछु पिलाती नहीं, अरे देखो 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 कितनो पतला है गयो है। और यूं कह के पूतना ने भगवान को अंक में भरा, दूध पिलाने के लिए उद्यत हुई, परंतु दूध का तो बहाना था, पिलाना तो जहर था प्यारे। भगवान को आज पूतना अपना जहर पिलाती है, पीते हैं भगवान बड़ी खुशी खुशी, आंखें बंद करके मेरे भगवान ने जहर को पीते हैं। और उसके बाद आज मेरे भगवान पहले जहर पीते हैं, फिर पूतना को मातृत्व मेरे भगवान देते हैं, दूध पीते हैं मेरे भगवान पूतना का, कि मैंने तुझे वचन दिया था हे रत्नावली, मैं तेरे दूध का भी पान करूंगा। और मेरे भगवान आज पूतना के दूध का भी पान करते हैं। और इसके पश्चात आज गोविंद
कहते हैं पूतना के रक्त का पान करना प्रारंभ करते हैं। जिसकी पकड़ ही इतनी मजबूत हो उससे कोई छूट कैसे सकता है, उससे कोई छूट कैसे सकता है मेरे प्यारे। भगवान कहते हैं पूतना को, अरे मैया भी तो मैं 6 दिन का बालक हूं, अच्छे से पकड़ना भी नहीं सीखा। 6 दिन के बालक को उंगली पकड़ाओ, हाँ छुड़ाने की कोशिश करो, हाँ वो छोड़ता नहीं प्यारे। हाँ और वो पकड़ अगर साधारण बालक कितनी मजबूत हो सकती है, तो मेरे भगवान की पकड़ कितनी मजबूत होगी मेरे प्यारे। हाँ मेरे भगवान की पकड़ कितनी मजबूत होगी। लेकर उड़ी पूतना भगवान को और कहते हैं गोपियां पीछे पीछे दौड़ी, अरे दौड़ो पकड़ो कोई लाओ। हाँ यूं कहते कहते यशोमती मैया घर की देहरी के ऊपर गिर गई। गिरी देहरी के ऊपर मैया और प्रभु, गोपियां दौड़ी भगवान को ढूंढने के लिए। कंस का लंबा चौड़ा उपवन और उस लंबे चौड़े उपवन के ऊपर जैसे ही जाकर देखा, कहते हैं पूतना मरी पड़ी है और उसके ऊपर लाला खेल रहे हैं, लाला क्रीड़ा कर रहे हैं। गोपियों ने भगवान को उठाया और उठाकर आज वो भगवान को यशोमती मैया के पास लेकर आए। अरे मैया देखना, देख तेरे लाला को कछु ना भय, बिल्कुल ठीक है मैया। मैया ने लाला को अंक से भरा और कहते हैं कि फिर तो रोहिणी मैया का संस्कार प्रारंभ हुआ। छोटे से लाला को गौशाला में ले जाया गया, गाय की पूंछ का झाड़ा बनाया गया और लाला को झाड़ा लगाया गया। इंद्रियाणि हरिषकेशः प्राणान् नारायणो अवतु श्वेतद्वीपं प्रतिष्ठितम् मनोयोगेश्वरो अवतु मनोयोगेश्वरो अवतु। गाय की पूंछ को पकड़ के गोपियां झाड़ती हैं लाला को, क्या कहती हैं? इंद्रियाणि हरिषकेश, इंद्रियों में रमण करने वाले हरिषकेश भगवान तुम्हारी रक्षा करे। नारायणो अवतु, प्राणन नारायण अवतु, प्राणों में रमण करने वाले वो नारायण भगवान तुम्हारी रक्षा करें। श्वेत द्वीप प्रतिष्ठित मनो योगेश्वर अवतु, मन के स्वामी योगेश्वर भगवान तुम्हारी रक्षा करें। गोविंद गोद में लोटे लोटे मानो मुस्कुरा रहे हैं। बाहरी ब्रज की गोपियों, मेरा नाम लेती हो, मेरा नाम ले लेके तुम मुझे झाड़ती हो। धन्य है तुम्हारा प्रेम ब्रज गोपियों, धन्य है तुम्हारा प्रेम। कि प्रेम जब जीव को भगवान से हो जाए ना प्यारे, तो फिर वो जीव भगवान को अपना बालक मान बैठता है। वो जीव भगवान को आज वात्सल्य प्रेम करता है। यशोमती मैया भगवान से वात्सल्य प्रेम करती हैं। आज कहते हैं फिर लाला की बड़ी देखभाल होने लगी। लाला की बड़ी देखभाल होने लगी। कुछ ही दिन के पश्चात कहते हैं आज छोटे से लाला जिस समय पालने में लेटे थे, आज कंस का भेजा हुआ वो शक्टासुर आया। शक्टासुर आया प्यारे, और मेरे भगवान ने अपने पांव के आघात से कहते हैं शक्टासुर का भी विनाश किया। शक्ट में लेटे थे, पालने में लेटे थे लाला, लकड़ी में ही ये प्रवेश कर गया। और भगवान ने पदाघात से इसका संहार किया। बोलो शक्टासुर मर्दन भगवान की जय। कहते हैं जब वो पूतना मरी थी ना, इससे पहले नंद बाबा कंस का कर दे के मथुरा से वापस आ रहे थे। तब मन में विचार आया कि इस राक्षसी को जलाया जाए। प्रभु
जब इसको जलाया गया ना काट काट के, इसके तन से बहुत सुंदर सुगंध सारे ब्रज में फैल गई थी। पूछा था दुनिया वालों ने महाराज कि किसी दैत्य के शरीर से भी इतनी सुंदर सुगंध आ सकती है, कहा क्यों नहीं आ सकती मेरे प्यारे, जिसका संस्पर्श भगवान से हो गया हो, जिसे भगवान ने स्पर्श कर दिया हो, वो दुर्गंध भी फिर सुगंध में बदल जाए, ये कौन सी बड़ी बात है प्यारे। जीवन के दुर्गंधों को, जीवन के दुर्व्यसनों को, जीवन की दुर्भावना को समाप्त करने में समर्थवान है ये भगवान नाम, प्रभु का नाम। इसलिए कहा मेरे प्यारे कि लेते रहिए, हाँ जब तक तन में प्राण है तब तक भगवान का नाम लेते रहिए, क्योंकि कली काल में भव से तारने का एकमात्र यही उपाय है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलो नास्ते वनास्ते नास्ति वै गतिरन्यथा नास्ति वै गतिरन्यथा। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कि केवल हरि का नाम है, केवल हरि का नाम है और केवल हरि का ही नाम है। महापुरुष जब किसी बात को बतलाते हैं तो जोर दे के कहते हैं, हाँ कि हरि का नाम है, हरि का नाम है और केवल हरि का ही नाम है। फिर कहा कलौ, कहा इस कली काल में नास्तेव नहीं है, फिर कहा नास्तेव नहीं है, और फिर कहा नास्तेव, कहा नहीं है गतिरन्यथा। भव से पार उतरने के लिए प्यारे हरि नाम से बढ़िया और कोई गति नहीं हो सकती, कृष्ण नाम से बढ़िया कोई गति नहीं हो सकती, इसलिए लेते रहिए लेते रहिए। कहा कब तक लेते रहिए, कहा जब तक तन में प्राण है, भगवान से ही प्रार्थना करते रहिए। कागा सब तन खाइयो कागा सब तन खाइयो चुन चुन खाइयो मांस मुर्दो नयना खाइयो मुर्दो नयना खाइयो मुहि श्याम मिलन को वास उमर दो नयना ना खाइयो मुहि श्याम मिलन की आस। एक कौवे, हाँ कौवे को कह रहा है, हाँ एक भक्त कि मेरे सारे तन को खा जाना मुझे जरा भी परवाह नहीं है, बस मेरी नयनों को छोड़ देना, क्यों, क्योंकि मुझे विश्वास है, मुझे आशा है एक दिन तो वो सांवरा इन नेत्रों से मुझे दिखेगा, दिग्दर्शन होगा मुझे इस सांवरे का, मेरे जीवन पे कृपा होगी एक दिन अवश्य ही। इसलिए प्यारे अगर वो परमात्मा पूतना को तार सकते हैं, अगर वो परमात्मा अघासुर को तार सकते हैं, बकासुर को तार सकते हैं, कंस को तार सकते हैं, तो क्या वो परमात्मा हमें नहीं तार सकेंगे, तो क्या वो परमात्मा हम पे कृपा नहीं कर सकेंगे प्यारे। वो तो कृपा करने के लिए बैठे हैं, क्या हम कृपा करवाने के लिए उनके शरणागत हुए, क्या हम शरणागत हुए भगवान के प्यारे, हम शरणागत हो जाएं और वो भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे, निश्चित करेंगे, ऐसा समस्त भगवत भक्तों का विश्वास है। आज कहते हैं भगवान की वो बाल कथा आगे बढ़ी और आगे चल के आज सुंदर रविवार का दिवस है, मेरे लाला आज पूरे 4 महीने के है गए हैं, आज पहली बार लाला कहते हैं समस्त बालकों के संग सूर्य का दर्शन कर रहे हैं,
समस्त ब्रजवासी बालकवाल लाल लाल वस्त्र धारण करके आज नंद घर की ओर बढ़ रहे हैं। सूर्य देवता की पहली किरण लाला के ऊपर पड़ी और मानो सूर्य देवता भी आज भगवान का दर्शन करके लज्जित से हो गए। हाँ, लाली मेरे लाल जी जित देखो तित लाली, लाली देखने में गयो मैं भी हो गयो लाल, लाली देखने में गयो मैं भी हो गयो लाल। रश्मियां भी जहां पे लज्जित हो जाएं, इतने सुंदर हैं मेरे परमात्मा, इतने सुंदर हैं मेरे घनश्याम, इतने सुंदर हैं मेरे श्याम प्यारे। हाँ, सबसे सुंदर हैं मेरे भगवान। आज लालिमा भगवान की देख के मानो सूर्य भी लज्जित हो रहा है और कहते हैं कि आगे भगवान की लीलाओं का प्रतिपादन होता है। मेरे भगवान तृणाव्रत का सहार करते हैं। एक समय मैया अपने लाला को गोद में अंक में भर के दूध का पान करा रही थी और कहते हैं वो तृणाव्रत बवंडर के रूप में आया, वो तृणाव्रत तूफान के रूप में आया। लाला ने अपना बोझ बढ़ाना प्रारंभ कर दिया, बोझ बढ़ा रहे हैं लाला। आज मैया कह रही, अरे लाला तेरे अंदर इतना बोझ कैसे हो गया रे। यूं कह के मैया लाला को नीचे लेटा देती है और घर के कार्यों में लग जाती है। आज वो तृणाव्रत भगवान को उड़ा के ले जाता है। भगवान चकाते हैं तृणाव्रत को, ब्रज के ऊपरी ऊपर भगवान घूमते हैं और अंततः मेरे भगवान अपना भार बढ़ाना प्रारंभ करते हैं। बढ़ाते बढ़ाते कहते हैं वो तृणाव्रत भगवान को उड़ाने की कोशिश कर रहा है, परंतु तहा मेरे भगवान एक प्रहार से आज उसका भी मर्दन करते हैं। बोलो तृणाव्रत मर्दन भगवान के जय। अनेकों अनेक दैत्यों का सहार करते हुए अब से तो महाराज ठाकुर की देखभाल और ज्यादा होने लगी है। एक दार भग मादा स्वांग मारो पे भामिनी प्रस्नुतम पाययामास स्तन स्नेह परिलुता स्नेह परिप्लुता की असुर आतंक के कारण यशोदा अब एक पल भी अपने लाला को अपने से अलग नहीं करती थी। महाराज मन में भय पैदा हो गया था कि दैत्य मेरे लाला को मारने बार बार आते हैं, ऐसा कौन सा पाप कर दिया मैंने। मानो इसी बात से यशोमती में यह चिंतित रहती है। आज भगवान से बार बार प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, हे नारायण, मेरे बालक की रक्षा करना, मेरे लाला की रक्षा करना। और कहते हैं ये घटनाक्रम चल रहा होता है उसी समय आज श्री वसुदेव जी महाराज के द्वारा प्रेरित श्री गर्गाचार्य जी महाराज आज उनसे मिलके ठाकुर का नामकरण संस्कार करने के लिए इस ब्रजमंडल में पहुंचते हैं। गर्गह पुरो हितो राजन यदो नाम सुमहातपः ब्रजम जगाम नंदश वसुदेव प्रचोदितः वसुदेव प्रचोदितः
गर्गः पुरोहितो राजन् यदुनाम सुमह तपः। महाराज श्री गर्गाचार्य जी महाराज आज नंद द्वार पहुंचे, उन्हें देखकर आज नंद बाबा और यशोमती मैया बड़ी प्रसन्न हुई, चरण प्रक्षालन किए सदगुरुदेव के और कहते हैं कक्ष में लेके आए, बड़ी सेवा करी। और आज मानो श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने ही कह दिया कि वसुदेव जी की इच्छा है कि दोनों बालकों का नामकरण संस्कार होना चाहिए, इसलिए आज मुझे भेजा गया है। नंद बाबा समझे कि ये जो नामकरण संस्कार हो ये विशाल रूप में होएगा, तो बाबा जो बोले कि हे गुरुदेव, चारों दिशाओं में कंस का भय व्यापक है, किस तरह से हम इनाम